देख भाई डायरेक्टर बनाया है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और इस वीडियो में आपको थोड़ा सा शॉक लगने वाला है। टाइटल देख के आपको ओवरऑल अंदाजा आ गया होगा कि इस वीडियो में हम ओवरऑल जो बिगिनर्स हेलमेट है, एक हेलमेट राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और किस तरह का हेलमेट आपको यूज़ करना चाहिए उसके बारे में वीडियो होने वाला है। और दो हेलमेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जिस जगह पर मैं अभी अवेलेबल हूँ वहाँ पर मैंने दो हेलमेट शॉर्टलिस्ट करके निकाले, एक लो बजट और एक सबसे ज़्यादा मतलब एकदम हाई बजट। सो लो बजट में भी काफ़ी चीप हेलमेट्स भी यहाँ पर है, पर वो हमने सेलेक्ट नहीं किया। हमने एक राइडर के प्रस्पेक्टिव से देखकर एक अच्छा मिड रेंज वाला हेलमेट सेलेक्ट किया है जो कि प्राइस में काफ़ी कम है और फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए चीप वाले से शुरुआत करते हैं। लाइए भाई चीप वाला हेलमेट दीजिए। ओके सो गाइस, हियर वी हैव द एक्सिस और ये चीप हेलमेट है पर काफ़ी अच्छा हेलमेट है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया। बाकी और भी बहुत सारी ब्रांड थी, वेगा के हेलमेट्स भी आते हैं, स्टीलबर्ड के हेलमेट्स भी आते हैं, बट बाइकिंग के लिए अगर आप कुछ ले रहे हो और आपका थोड़ा कम बजट है तो इस तरह का हेलमेट आप ले सकते हो। सबसे पहले इसके बॉक्स पे प्राइस की बात करते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो 2750 यानी कि 2750 रुपये में आपको ये हेलमेट मिलने वाला। और ये ग्लोस ब्लैक वाला है, अगर इसमें ग्राफिक वगैरह में जाओगे तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ सकता है, मतलब 3000-3200 के आसपास में आपको एक अच्छा खासा हेलमेट मिल जाएगा। और चलिए अब देखते हैं हेलमेट कैसा है, किस तरह का है। सो ओके, सो बॉक्स के अंदर वी हैव ओनली, चिंतन भाई पीछे हेल्प कर रहे हैं। सो इस तरह का आपको एक हेलमेट का कैरिंग बैग भी मिल जाएगा। बैग को निकालते हैं, बैग की क्वालिटी भी वैसे काफ़ी अच्छी है, अगर आप हेलमेट को इसमें रख के भी धूल वगैरह नहीं लगेगा। सो दिस इज़ द हेलमेट गाइस। सो यू कैन सी दिस इज़ वेरी लुक कूल लुकिंग हेलमेट, बहुत ही अच्छा। मुझे एक्चुअली ब्लैक हेलमेट ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसको ही सिलेक्ट किया। ये मुझे परचेस भी करना था पर अभी मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज है तो मैं अभी हायर रेंज में ही जाने वाला हूँ तो ये मैं परचेस तो अभी नहीं करूँगा। पर इस हेलमेट के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर आपको हेलमेट में मिलता है डॉट सर्टिफाइड। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक राइडर के लिए। अगर आप राइडिंग करते हो, सिटी टूरिंग के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ राइडिंग के लिए। सिटी टूरिंग में भी अगर सेफ्टी में अपग्रेड करो तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं कोई बात नहीं, राइडिंग के लिए डॉट सर्टिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो इस हेलमेट में सेफ्टी ज़्यादा मिलने वाली है। कलर क्वालिटी इज़ रियली गुड। हेलमेट का वाइज़र भी अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर वाइज़र भी आपको मिल रहा है। वेंट्स टोटल यहाँ पर एक, यहाँ पर ऊपर आपको दो वेंट्स और मिल रहे हैं जो कि ऑन ऑफ है। उसके अलावा आपको पीछे दो और वेंट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें मिस हो रही है तो चंद्र भाई हमें पीछे से बता रहे, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और अब पैडिंग्स की भी अगर मैं बात करूँ तो पैडिंग्स काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते क्योंकि ये मिड रेंज है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक 3000-3500 का कोई और भी हेलमेट लेते हो तो शायद इस तरह की पैडिंग्स आपको नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी इंप्रूव्ड, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं बोलूँगा, बाकी काफ़ी सारी ऐसी ब्रांड्स है ऑलरेडी इंडियन मार्केट में जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे लेती है पर क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं देती थी। यहाँ पर आपको एक चिन नेट भी मिल जाएगा, पैडिंग्स भी काफ़ी अच्छा। और ये बिगिनर हो इट्स ओके, आप ये वाला ले सकते हो, बाकी डी रिंग मस्ट है तो डी रिंग वाला हेलमेट ही प्रीफर करें। बट इसमें अगर ये प्राइस के हिसाब से दिस इज़ ओके तो चला सकते हो, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा हेलमेट आपके लिए साबित होने वाला। मैं एक बार पहन के भी दिखा देता हूँ। चिंतन भाई वो सर का मेरे को दे दो ना, सर की चड्डी। सो चिंतन भाई के पास ये भी मिल जाएगा, सर की चड्डी भी है। चिंतन भाई इसमें कलर ऑप्शन होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक और ग्रे, ऐसा वो ग्रीन ग्रीन वो सब नहीं मिलता। चलिए चड्डी पहन दे। अच्छा तो ये चड्डी हमने पहन ली और ये खोल दिया इसको, और पहनने के बाद मैं कुछ चीज़ें खास आपको दिखाऊंगा, वो आपको हेलमेट परचेस करने से पहले भी देखना है, किसी भी हेलमेट को पहन लेने के पहले। ओके सो ये एल साइज़ का हेलमेट है, मेरे लिए काफ़ी परफेक्ट है अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। और ये मैं यहाँ पे इसको पहले तो मैं लॉक करूँगा। सो मेनली दो चीज़ें आपको करनी है, कोई भी नया हेलमेट परचेस करो उसको पहनने के बाद एक यू करो, अगर हेलमेट के अंदर आपका सर अगर घूम रहा है तो ये हेलमेट आपके लिए नहीं है। सिंपली उसको रख दो साइड में, या तो उसकी छोटी साइज़ ले लो या तो फिर हेलमेट ही चेंज कर दो। तो इसमें मेरा हेलमेट बिल्कुल भी फ्लिप नहीं हो रहा है तो ये साइज़ के हिसाब से परफेक्ट है। हाँ थक जाते यार ये सब करके। ओके दूसरी चीज़ जो आपको खास देखनी है वो है आपके चिक्स। अगर आपके चिक्स बहुत ज़्यादा दब रहे हैं दैट इज़ गुड थिंग, बहुत ध्यान दें, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये होना चाहिए। अगर आपके चिप्स काफ़ी ज़्यादा दब रहे, जैसे कि अगर मेरे चिक्स देख रहे हो यहाँ से काफ़ी बाहर थोड़े से निकल रहे, दब रहे पूरे पूरे,
दैट इज़ अ गुड पार्ट अबाउट अ गुड हेलमेट। सो अगर एक अच्छा हेलमेट होगा वो आपके मुंह को प्रॉपरली दबाएगा, शेप में लाएगा, जिससे सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये काफ़ी लाइट वेट हेलमेट है और इट्स अ गुड हेलमेट। सो अगर आप मोटरसाइकिलिंग में बिगिनर हो तो दिस इज़ फॉर यू, इट्स रियली गुड हेलमेट। सो 2750 है और इसमें ग्राफिक्स वगैरह में क्या प्राइस में आएगा ये? 295। ओके, उससे ऊपर नहीं। दिखा दो एक ग्राफिक वाला हेलमेट, देख लेते कौन से एक कॉमन ग्राफिक वाला एक देख लेते, बाकी तो बहुत सारे ऑप्शन है इसको। ओके, नाइस, लुक एट दिस। सो ये ओवरऑल राउंड फिगर 3000 में आपको 2950 ₹50 कम, 3000 से ₹50 कम में आपको इतने अच्छे ग्राफिक्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए मतलब। सो मेरे हिसाब से पहले इससे शुरुआत करो, 6 महीना 1 साल 2 साल इसको रगड़ो, उसके बाद इसे अपग्रेड करो। ओके, सो लोअर से अभी चलते एकदम हायर पर। मिड रेंज में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मिड रेंज जस्ट किडिंग गाइस। सो एकदम हाई रेंज पे चलते, हाई रेंज वाला एक हेलमेट है यहाँ पर अवेलेबल था, इसलिए मैं स्पेशली इस वीडियो में ले रहा हूँ। बाकी उस हेलमेट को अगर वो हेलमेट नहीं होता तो मैं शायद उसको लेता ही नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक ही हेलमेट का रिव्यू मैं करने वाला था, पर ये हेलमेट स्पेशली हमको चिंतन भाई ने बोला कि ये हेलमेट सिर्फ अहमदाबाद में एक इनके पास ही है, तो ये हेलमेट हम लोग लेने वाले हैं। लाइए भाई, हेलमेट दे दीजिए बहुत प्यार से, बहुत आराम से। चिंतन भाई खड़े होकर एक बार फ्रेम में आइए प्लीज़। इसका नाम बताओ। ये HSE का राफा 11। प्राइस 34,500। सन्नाटा फील करो, मैं निकालूंगा। ₹35,000 राउंड फिगर, 35,000 का हेलमेट। इससे भी महंगे वैसे हेलमेट आते हैं, बट यार हमारे लिए इट्स टू मच यार, कम ऑन। सो 35,000 का हेलमेट हर कोई नहीं ले सकता। एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो के गिव अवे को रिलेटेड, इसी टाइप के टॉपिक पे आया था, तो भाई ने बोला था कि इतना छोटा गिव अवे कर रहे हो। अरे भाई, हमारी कैपेसिटी उतना गिव अवे करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे आगे जाके। सो पहले बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है ये एक हेलमेट, जो कि काफ़ी अच्छे बैग के साथ है। चिंतन भाई हेलमेट को अभी 2 मिनट के लिए साइड में रखो, क्योंकि बॉक्स में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो महंगे हेलमेट का ये एक फ़ायदा है कि पिन लॉक आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। बाकी आप ये 5-6 हज़ार का, मेरे एमटी स्टिंगर में भी नहीं आया था, नहीं आता ना एमटी में नहीं आता, तो ये आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। और कार्बन फाइबर में आता है, कार्बन फाइबर वाले में आता है। ओके, पर वो 18,000 का है, नहीं 23,500 वो भी है हमारे पास, वो इस वीडियो में हम नहीं दिखाएंगे अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो स्पेशली उसके लिए बनाएंगे, मैं परचेस करूँगा शायद। सो ये पिन लॉक वाइजर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्या काम में आती है मैं आपको बाद में बता देता हूँ। उसके अलावा मेरा हर बार का सीन होता है, मैं कोई भी हेलमेट लेता हूँ मुझे वाइजर इस टाइप का अलग से चाहिए होता है, तो इसमें ये साथ में ही स्मोक वाइजर दे रहे, तो ये दिस इज रियली गुड। सो वाइजर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा इसमें कुछ पुस्तिकाएँ हैं जो हम कभी नहीं पढ़ते, तो बॉक्स को अभी साइड में रखते हैं। और गाइस, ओनली वन थिंग टू से, इनसेनली लाइट वेट ये हेलमेट, बहुत हल्का है वजन में, काफी लाइट वेट हेलमेट है। यहां पर आप वेट देख सकते हो 1300 grams। मतलब ना वीडियो में आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर इसको हाथ में पकड़ने का एक फील है रियली। ये एम साइज का हेलमेट है। सो चिंतन भाई मेरी वो चड्डी कहाँ गई, मैं पहनूंगा ये, खरीद तो नहीं सकते, पहन तो ले चिंतन भाई के राज में, पहले पहनता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या है इसमें ऐसा, राइट। ओके, सो जो मैं डी रिंग की बात कर रहा था, दिस इज दैट डी रिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बहुत अच्छा टूरिंग वगैरह करते हो, तो इस टाइप का हेलमेट आपको लेना चाहिए। लोअर बजट हेलमेट में भी डी रिंग आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4-5 हज़ार का हेलमेट अगर आप लेते हो एमटी वगैरह के, तो उसमें भी डी रिंग आता है। ओके माय बॉय चिंतन भाई, ये मेरी साइज़ का तो नहीं है, एम साइज़ है, मेरे को एल चाहिए, तो थोड़ा सा टाइट है, बट इट फील्स रियली गुड, इट फील्स 35,000 वाली फीलिंग है इसमें। चलिए तो पहन के देख लिया, अभी हेलमेट पे आते हैं। तो ये लेट्स टॉक अबाउट दी वाइज़र फर्स्ट। सो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक वाइज़र मिलने वाला है। अभी वेंट्स की बात कर ले तो यहाँ पर है ये दो मेटल वेंट्स, काफ़ी अच्छे लुक्स में भी इजाफा करते हैं, और
प्रीमियम हेलमेट्स की खास चीज़ें डिटेलिंग है। तो यहाँ पर आप ये रोलर देख रहे हो, वो शायद आवाज़ यहाँ से आएगी। सो ये रोलर टाइप है, इसमें आप अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक शटर, विंडो शटर बंद चालू हो रहा है। सो दोनों तरफ ये है, पीछे शेप है, वेंट नहीं है, पर यहाँ पर आपको साइड में वेंट्स मिल रहा है, एग्जॉस्ट वेंट जिसको बोलते हैं, चिंतन मैंने पीछे से बता दिया। दूसरी चीज़ प्रीमियम हेलमेट्स की खास, यार ये जो बहुत बढ़िया क्वालिटी, चिन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, आपको स्ट्राइप भी अच्छे मिलते हैं। दूसरा इमरजेंसी, ये आपको खींचना है किसी भी इमरजेंसी में, यहाँ पर इफ़ यू कैन रीड यहाँ पर लिखा हुआ है इमरजेंसी ओनली। तो यहाँ पर ये जो स्ट्राइप है ये आपको खींचना है इमरजेंसी जब भी होती है तब। बाकी ओवरऑल महंगा हेलमेट, हम ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, दैट्स ऑल अबाउट दिस हेलमेट, और कुछ खास है नहीं। बट जब इस टाइप के हेलमेट हम लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे तब मैं इसके बारे में डिटेल रिव्यू करूँगा, क्योंकि अभी भी मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज इस टाइप के हेलमेट्स के बारे में नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने फील किया वो बताया, लाइट वेट है, वाइज़र वगैरह अच्छा है और प्रीमियम हेलमेट है। तो आई गेस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है, और भी अगर किसी अदर चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिए नीचे कि आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है, हेलमेट्स वगैरह कुछ भी, राइडिंग गियर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टाटा।